हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो थर्सडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, इसके साथ साथ ग्लोबल क्यूज का भी एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग जैसे कॉल में ग्रुप में शेयर किया था ये वाला चीज़ कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे हमारा सेकेंड टारगेट अचीव कर लिया, मतलब 32,903, और यहाँ से एक सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, 100 पॉइंट्स का नीचे आ गया फिर से मार्केट। लेकिन लगभग मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखिए 32,500 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद बाद लगभग यहाँ पे 32,900 का टच किया, मतलब लगभग आप देखेंगे 400+ पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा गैप अप हो सकता है, तो अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है आज। लगभग SGX निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है सुबह सुबह 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर सस्टेन कर लेता है तो निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, देखिए निफ्टी में ये जो क्रिटिकल लेवल था मेरे हिसाब से 17,471 का, तो ये लेवल को अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 17,650। ये क्लियर कट है, इसमें ज़्यादा सोचने वाला कुछ चीज़ नहीं है। अगर 17,470 का जो लेवल है इसको होल्ड कर लेता है तो मार्केट श्योरली गोइंग टू 17,647 विद इन 1 to 2 days, ठीक है, ये आराम से इसको टच कर लेगा, कुछ बड़ा बात नहीं है। एंड डाउन साइड में अगर ये 17,470 का नीचे आ जाता है तो डाउन साइड में सिंपल सा आपका ट्रेड यहाँ पे लगेगा ये वाला, ठीक है, ये एक रेंज रहेगा और ये एक रेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, तो 17,388 एंड 17,210 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में, खाली एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा अप डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा व्यू जो है बुलिश है, मैं ऑलरेडी सी बाय करके रखा हूँ, जो भी होगा मेरे टारगेट के हिसाब से सी जाना चाहिए था, तो अगर सी चल जाता है तो मैं ज़्यादा ट्रेड आज नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग के लिए जो लेवल्स है मैं यहाँ पर बता दिया, ये चार लेवल आप ध्यान रखिए, 17,650 जो कि टॉप लेवल रहेगा, मार्केट इसको टच कर सकता है, एंड 17,471 डिसाइडिंग लेवल है, ये इसके ऊपर अगर रहेगा मार्केट सस्टेन करेगा तब भी जाके जाएगा, एंड डाउन में अगर आता है 17,470 से अगर रिजेक्शन आता है आपको तो पहला जो टारगेट मिलेगा 17,390 और 88, इसके बाद 17,200, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का क्लियर एनालिसिस, में ज़्यादा इधर उधर का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूव दिया है, तो बैंक निफ्टी का जो डिसाइडिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 38,170, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है तो फिर से आपको 200-300 का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद 2-3 दिन में हम लोग को 38,800-900 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल से मार्केट रिएक्शन मिलता है मार्केट और 38,168 का लेवल से, तो फिर से आपको एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा छोटा सा 38,000 and 37,700 का, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज हम ज़्यादा डाउन के लिए वेट करेंगे, मार्केट के बारे में कोई भी 100% कुछ नहीं कह सकता, फिर मेरा प्रिडिक्शन हिसाब से पहले मार्केट में थोड़ा गैप अप होगा, अगर गैप अप सस्टेन कर लेता है तो हम सी साइड के लिए जाएंगे, और हमारा लेवल के हिसाब से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो हम पी साइड के लिए जाएंगे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट कॉल का जो था कम्प्लीटली पॉजिटिव था मेरे, आप देख सकते हैं, और सुबह सुबह भी डाउ जोन फ्यूचर जो है US 30 लगभग 20-25 पॉइंट ग्रीन पे चल रहा है, अभी सुबह 6 बजे मैं देख रहा था। तो इसके अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहेगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में फिर से एक रैली देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 17,700, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।